ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है और आपका बहुत आभार है। आप जो प्यार और सपोर्ट आपके चैनल को प्रदान कर रहे हैं, आपका दिल से धन्यवाद। दोस्तों, आपकी राशि के लिए शनि देव ने कुछ भविष्यवाणियां की है। अगर आप इन भविष्यवाणियों को वर्तमान के युग में समझ लेते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि शनि से संबंधित जितनी सारी आपकी शिकायतें हैं या आपको कई सारी परेशानियाँ हैं, आप उससे स्वयं ही बच सकते हैं। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अब इससे संबंधित रुकावटें क्या शुरू होती है? शनिदेव न्याय के देवता होते हैं और जब वो न्यायिक उनकी महादशा साढ़े साथ ही चलती है तो उस दरमियान एक तो व्यापार में बहुत घाटा होना, हमने जहाँ निवेश किया है निवेश डूब जाना, पारिवारिक विवादों में शुरू हो जाना, बेफिजूल के विवादों में कोर्ट कचहरी के, जिसमें हमारा कोई लेना देना नहीं, हम जबरन उन सब चीज़ों में उलझे रहे हैं, बहुत सारा अज्ञात डर बना रहना, हम इतनी सारी उलझनों में उलझे हुए हैं कि हम रोज़ उससे निकलना चाहते हैं लेकिन निकल नहीं पाते हैं। तो शनि की कुछ ऐसी व्यूह रचना होती है कि उस व्यूह रचना से हम बहुत कुछ चीज़ों से बाहर निकलना चाहते हैं पर नहीं निकल पाते। लेकिन अगर आप वाकई में उससे निकलना चाहते हैं तो इन भविष्यवाणियों को, इन बातों को अपने जीवन में सार्थक रूप से आप अपना लें। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि आपको कहीं कुछ भी ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन मैं आपसे करना चाहता हूँ कि चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से आप नहीं जुड़े हैं, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाएं। कमेंट्स में भोलेनाथ का कोई एक नाम लिखे, जो नाम आपको अच्छा लगे वो लिख सकते हैं, और एक बार अपनी कुंडली का एनालिसिस एक अच्छे ज्योतिषी से ज़रूर कराएं। अगर आप मुझसे करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे बात कर सकते हैं। सबसे पहली भविष्यवाणी है कि शनिदेव की जब भी महादशा या अंतरदशा चलती है उस वक्त व्यक्ति को सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी की या शिव जी की उपासना करना चाहिए। आप जिन देवी देवताओं को मानते हैं बहुत अच्छी बात है, उन्हें कंटिन्यू मानते रहें, लेकिन हनुमान जी की और शिव जी की उपासना जरूर करें। अगर हनुमान जी और शिव जी की उपासना आप करते हैं तो 9 के 9 जो ग्रह हैं कभी भी आपका कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं दे सकेंगे। अगर वो आपकी कुंडली में नेगेटिव भी हैं तो वो न तो अच्छा देंगे न बुरा देंगे, वो स्थिर बैठे रहेंगे। ये चीज़ें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है किसी भी व्यक्ति के लिए। अगर वो नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं देंगे तो हम इन परेशानी से बाहर आ जाएंगे। दूसरी बात होती है कि जब भी शनि हमारे लिए नेगेटिव वे में होगा तो पिता के साथ अनबन होगी और उन उच्च लोगों के साथ अनबन होगी जिनके हाथ में अधिकार क्षेत्र है। तो इसलिए ऐसी सिचुएशन में अपने दिमाग को शांत रखें, ये होता है, इससे हमारी परेशानी ही बढ़ती है क्योंकि शनि के अधिपति की चीज़ है, जिनके पास अधिकार है, जिनके पास न्याय है, जैसे घर के मुखिया हो गए, ऑफिस के बॉस हो गए, या किसी भी फील्ड में जब आपके जो मेन अधिकारी है, पदाधिकारी है, उनके साथ ये डिस्ट्रीब्यूट होती है, तो इस विषय को लेकर भी बहुत ध्यान देना है। तो तीसरी बात है, अपने गुरु मंत्र का जाप करें, इससे आप बाहर आ जाओगे। ओम नमः शिवाय।